हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अगेन मोस्ट वेलकम टू मॉडल इंस्टीट्यूट। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। आप किसी भी स्टेट का जेई एग्ज़ाम देने जाइए, सेंट्रल का देने जाइए, जैसे कि एमपी जेई की वैकेंसी, यूपी में यूपी ट्रिपल एससी से आई हुई वैकेंसी, या तो राजस्थान की वैकेंसी जो जेई का पेपर होने वाला है, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा जो हम सीरीज़ चलाने जा रहे हैं। यहाँ से हम आपके कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे, या तो प्रीवियस ईयर पे आए होंगे, या कुछ चांसेस हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम देने जाएं वहाँ पर ये क्वेश्चन आए एज इट इज़ आए। तो हम डिस्कस करते हैं आपसे क्वेश्चन। यहाँ पर आपके जो भी बीएमसी पे आए हुए क्वेश्चन होंगे, हम सीरीज़ वाइज, जैसे बीएमसी का भी आपकी सीरीज़ चल रही है, फिर हाईवे, फिर आरसीसी, सॉयल, सारी फैकल्टी यहाँ पर आपको टीच करेंगे जो भी होगा। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक। आपका कौन सा नेचुरल रॉक है यहाँ पर, या द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज। जो आपका नेचुरल रॉक है वो आपको नेचुरल रॉक कौन सा है, देखिए टेकिंग आउट, यहाँ से आपसे ये देखना है कि जो नेचुरल रॉक हुआ वहाँ से जो निकालते हैं, जैसे ही लेटर सपोज समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, जैसे आपका ये कोई माउंटेन है, यहाँ से आपको रॉक निकालनी है, तो आप कुछ इस प्रोसेस से निकालेंगे, या तो आप इस प्रोसेस को ही आप बोलते हैं क्लैडिंग, कुछ ऐसे होता नहीं। वेदरिंग आपकी प्रॉब्लम है एक जो स्टोन में होती है उसको वेदरिंग बोलते हैं। ड्रेसिंग, यहाँ से लेटर सपोज आप ये वाला पोर्शन बाहर कट कर लिए, इसको आप क्वेरिंग बोलते हैं। यहाँ से करने के बाद इनके जो सरफेस हैं उनको ऑर्नामेंटल या सजावटी बनाने के लिए आप उसको ड्रेसिंग करते हैं। यहाँ से जो इसको फिर से स्मूथ बनाते हैं उसको आप बोलते हैं ड्रेसिंग बोलते हैं उसको। और क्वेरिंग, यहाँ से जो पत्थर, यहाँ से जो आपका स्टोन निकाल के यहाँ तक लाया गया उसको आप क्वेरिंग बोलते हैं। तो यहाँ से आपके तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए कि वेदरिंग एक डिफेक्ट है आपके स्टोन की, एंड आपका ड्रेसिंग एंड क्वेरिंग, सबसे पहले आप क्वेरिंग करके ले जाते हैं पत्थर को, निकालने की प्रक्रिया को क्वेरिंग बोलते हैं। उसके बाद जो उसकी सरफेस को आप स्मूथ करते हैं या अपने अकॉर्डिंग उसको आप लेते हैं बनाते हैं उसको आप ड्रेसिंग बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का कौन सा है एग्जाम्पल, सेडिमेंट्री रॉक कैसी रॉक जो रिवर हो या तो एयर हो, ये अपने साथ हर लेयर बाई लेयर रॉक बनाते जाएं। जैसे कि रिवर का ही एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं, कोई एक रिवर है या तो कोई फ्लड है, इस बार ले आई कुछ अपने साथ, कुछ स्टोन्स ले आई और यहाँ पर डिपॉजिट करके चली गई, नेक्स्ट टाइम पे फिर आई, नेक्स्ट ईयर आफ्टर सम टाइम फिर से एक लेयर बना के चली गई। इनको एक्वा रॉक भी रख कहते हैं, मतलब पानी के द्वारा मेनली जो होता है ये वाटर के द्वारा ही रॉक बनती है। वाटर जो अपने साथ रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट बहा के लेके आती है उसके द्वारा बनता है। जैसे कि ये वाला देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर, तो इसलिए इनको सेडिमेंट्री रॉक को दूसरे नाम से जानते हैं। एक्वस रॉक तो जानते हैं, दूसरा लेयर्ड सिस्टम भी बोलते हैं, लेयर्ड रॉक भी बोलते हैं। यहाँ से इनके एग्जाम्पल देखा जाए, सैंड स्टोन, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, जिसमें भी नियर अबाउट एस लगा होगा वो आपका सेडिमेंट्री होगा। एक आप साइनाइट को छोड़ दीजिएगा, वो आपका इग्नियस रॉक है, क्योंकि आपका जो रॉक है थ्री पार्ट में डिवाइड होगा, जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल। जियोलॉजिकल फर्दर क्लासीफाई इन थ्री टाइप, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ से यह आपसे पूछ रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा एग्जाम्पल है, क्वार्ट्जाइट यही सैंड स्टोन है, एस से स्टार्ट, नियर अबाउट मैक्सिमम। आपको याद ना हो एग्जाम पे तो आप यही टिक करिएगा, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन एंड स्टोन। ऐसे और क्या एग्जाम्पल है, मार्बल आपका ग्रेनाइट, ये आप मार्बल आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, एंड क्वार्ट्जाइट भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल
एंड सैंडस्टोन आपका यहाँ एग्जाम्पल है। अब धीरे धीरे इसको देखेंगे कि चलते हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन सी आपकी रॉक्स होंगी। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो रॉक है, आपकी जो रॉक है वो क्लासिफाई होगी जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल। केमिकल आर फर्दर क्लासिफाई आर्जिलेसियस, कैलकरस, सिलिसियस। फिजिकल आपका स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फॉइलेटेड। जियोलॉजिकल आपका इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड नंबर है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। यहीं से आप क्लियर कर लीजिएगा रॉक आपके थ्री टाइप्स के होंगे। आपसे हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि फॉइलेटेड रॉक जो है वो कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, आपका जियोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल। तो याद रखिएगा जियोलॉजिकल के हिसाब से जो भी होगा इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। फिजिकल के हिसाब से आपका जो स्टोन है वो आपका स्ट्रेटिफाइड है, अनस्ट्रेटिफाइड है या फॉइलेटेड रॉक है। एंड केमिकल से आर्जिलेसियस, कैलकरस एंड सिलिसियस। अब इसके एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, जैसे यहाँ तो बहुत सिंपल सा पूछा कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक कौन सा है, तो यहाँ से आपका पूरा क्लियर हो गया। सिलिसियस रॉक है आपका अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एंड फॉइलेटेड रॉक आपका है फिजिकल क्लासिफिकेशन है। ये ज़रूर याद रखिएगा, मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जा सके कि फॉइलेटेड रॉक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉइलेटेड रॉक जो है, फॉइलेटेड रॉक किस क्लासिफिकेशन पे है या विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक, देन आप योर आंसर इज फिजिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रॉक दैट प्रोसेस क्रिस्टलाइन एंड कम्पैक्ट ग्रेन, क्रिस्टलाइन एंड कम्पैक्ट ग्रेन आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक। यहाँ से द रॉक दैट प्रोसेस क्रिस्टलाइन एंड कम्पैक्ट ग्रेन आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक। यहाँ पोलेटेड अनस्ट्रेटिफाइड सिलिसियस रॉक तो आप समझ ही चुके हैं। वाट इज द मो हार्डनेस नंबर ऑफ टोपाज, टोपाज की जो हार्डनेस है वो कौन से नंबर पे आएगी। यहाँ से आप देखिए तो आप डायरेक्टली दो एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, 12 होता ही नहीं है वहाँ पर। 10 जो होता है वो डायमंड का होता है एंड 2 और 8 पे ही कोई एक सही होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी आपको लिखवा दूंगा सभी के नाम, बट आपको सभी के नाम याद नहीं रह पाएंगे। 3-4 इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखिएगा, जैसे इनकी ये हार्डनेस है, टॉक, जिप्सम, ये सब की हार्डनेस है आपके जितने भी नेम यहाँ लिखे गए हैं।
जैसे टाक की 1 है, जिप्सम 2 है, कैल्साइट 3 है, फ्लोराइट 4 है, फेल्डस्पार 6 है, क्वार्ट्ज 7 है। यहाँ पर जो आपको मेनली याद रखने हैं वो याद रखने हैं क्वार्ट्ज एंड टोपाज, डायमंड एंड ये मेनली आपको ये 4 ही आपको याद रखने हैं। टॉक का कितना हार्डनेस होता है 1 होता है, एंड क्वार्ट्ज का 7 होता है, टोपाज का 8 होता है, एंड डायमंड का 10 होता है। ये तो आपको सब याद रहेगा क्योंकि सबसे हार्डेस्ट जो पार्टिकल प्रेजेंट है अपने अर्थ पे वो डायमंड है, तो डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड होगा, तो ये बात आप याद रखेंगे। 10 ये तो याद ही हो गया, क्वार्ट्ज और टोपाज का आपका ये 3 याद रखने होंगे, तो आई होप आप याद रखेंगे। जिससे यहाँ पर 2 आपका जिप्सम का हो जाएगा, 2 आपका जिप्सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या बोला, फिर वो मैचिंग कराना है आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। ओके, देखते हैं यहाँ पर ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन और स्लेट, इनको मैच किससे करवाना है, ऑर्नामेंटल वर्क, सी वॉल, फ्लोरिंग एंड मैन्युफैक्चर, इससे आपको मैच करवाना है। देन मार्बल देखा जाए कि मार्बल आपका यहाँ ऑप्शन देखते हैं मार्बल पे क्या सही है। मार्बल के लिए आपका सी वॉल हो नहीं सकता ऑर्नामेंटल, इसके लिए तो एक यही एक ऑप्शन सही एकदम समझ में आ रहा है। एंड ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट के लिए फ्लोरिंग, सॉरी ग्रेनाइट के लिए आपका सी वॉल, आपका मार्बल ऑर्नामेंटल सजावटी, आपका जो घरों पे मार्बल या ऐसे लगाते हैं सजावटी वर्क के लिए लगाते हैं, आपका जो ग्रेनाइट है ये काफ़ी हैवी होता है इसलिए इसके जो सी वॉल्स हैं वहाँ यूज करते हैं, और इसके बाद आपका लाइमस्टोन मैन्युफैक्चर, स्लेट आप फ्लोरिंग बनाने में, जब आप फ्लोर बनाते हैं तो वहाँ पर स्लेट यूज करते हैं। इनके चारों आपको याद होने चाहिए। यहाँ से आपका देखा जाए ए का बी पार्ट या सेकंड, ए का सेकंड पहला या इसमें, तो सी पार्ट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हार्डेस्ट एमंग द नेचुरल स्टोन, सबसे हार्ड कौन सा होगा। यहाँ पर लिस्टेड है यार, यहाँ जितने भी लिस्ट दिया गया है सबसे हार्ड कौन सा होगा, ग्रेनाइट होगा। रीज़न ये है कि सबसे हार्ड होने का क्योंकि ये आपका इग्नियस रॉक पे आएगा और इग्नियस रॉक आपका अनस्टेटिफाइड होगा, पहली कंडीशन आपकी अनस्टेटिफाइड होगा और ये लावा से या मैग्मा से निकला होगा इसलिए बहुत हार्ड होता है। यहाँ से आपका ग्रेनाइट ऑप्शन हो जाएगा, लाइमस्टोन और स्लेट तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, लाइमस्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइप ऑफ स्टोन यूज जनरली फॉर मेसनरी वर्क इन इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपोज टू स्मोक एंड केमिकल फ्ल्यूम्स। विच टाइप ऑफ स्टोन यूज जनरली फॉर मेसनरी वर्क के लिए इन इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपोज टू स्मोक एंड केमिकल फ्ल्यूम, सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं स्मोक और केमिकल फ्ल्यूम के लिए, तो वहाँ पर आप मार्बल यूज कर सकते हैं, वहाँ पर आप मार्बल यूज करिए आप वहाँ पर। एंड मे बी एक दो बुक में आपको ग्रेनाइट भी देखने को मिलेगा जो कि सही नहीं होगा, ग्रेनाइट आपका यूज होता है सी वॉल के लिए। लाइम स्टोन चूना पत्थर तो होगा नहीं, सैंड स्टोन ये भी नहीं, आपका ये पार्ट सही है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नॉट यूज फॉर बिल्डिंग स्टोन, बिल्डिंग स्टोन के लिए कौन सा है यहाँ पर नीचे जो यूज़ नहीं होता, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो आप बिल्डिंग स्टोन के लिए नहीं करते। देखिए आप बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पर स्टोन की हार्डनेस तो होनी ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एसिड अटैक कितना होगा वो भी देखना पड़ेगा कि आपके आसपास कितना एसिड है, उस हिसाब से आप पत्थर चूज करेंगे। किस लाइन टेस्ट भी होता बहुत ज़्यादा कि एक कलर टेस्ट नहीं होता हमारे यहाँ जो भी है वो, आपके बिल्डिंग स्टोन में कलर टेस्ट की परमिशन नहीं है। एंड आर्जिलेसियस रॉक आर मेड फ्रॉम, आर्जिलेसियस रॉक आर मेड फ्रॉम, अभी ये आप देख चुके हैं कि आर्जिलेसियस में किसका डोमिनेंट होता है, क्ले एंड एलुमिना का। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, क्ले प्री डोमिनेंट है आपका,
ग्रेनाइट सिलिका लाइम कोई बात ही नहीं, लाइम नहीं लाइम होगा आपका, ये आपका लाइम होगा। एंड ये तो आपके रहे स्टोन के सारे क्वेश्चन, अब हम डिस्कस करते हैं चलते हैं नेक्स्ट है आपका ब्रिक से क्वेश्चन रिलेटेड है, जो ब्रिक से क्वेश्चन रिलेटेड है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। द डायमेंशंस फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक, डायमेंशन है, डायमेंशंस हैं आपकी स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक की, जो डायमेंशंस हैं यहाँ पर कोड आपको याद रखना है IS 6165-1971। और देखते हैं एक दो कोड कौन सा IS, ये तो, और बाकी आप कोड एक आप यही याद रखिएगा क्योंकि इतने कोड गिवेन हैं आप सारे कोड याद रख नहीं पाएंगे, तो कोड से रिलेटेड दो चार दस क्वेश्चन दो चार मैं इंपॉर्टेंट कोड आपको लिखवा दूंगा, आपको वही याद रखने हैं, जैसे सीमेंट के कोड हो गए OPC के 33, 43, 53 इनके कोड हैं, या एस्बेस्टॉस सीमेंट के कोड हैं, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट हैं 12-12600, ये सारे चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि इतने ज़्यादा कोड हैं आपको याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन, जो गुड ब्रिक अर्थ है शुड कंटेन ऑफ एल्यूमिना कितने परसेंट होता है, इसके लिए आपकी एक ट्रिक है, ये इसका एक ट्रिक है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पे कौन कितने परसेंट होता है आपका सिलिका SiO2 52-60% एंड एल्यूमिना आपका 22-30% लाइम आपका 10%। तो यहाँ आपसे पूछ क्या रहा कि एल्यूमिना कितने परसेंट होगा, यही दो तीन पूछता है आपसे, एल्यूमिना आपका 20-30% होगा, बाकी ऑप्शन तो सही है ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर क्लास ए टाइप ऑफ रूफ टाइल्स, जो वाटर एब्जॉर्प्शन है क्लास ए टाइप की रूफ टाइल्स के लिए कितना होगा, यहाँ से ऐसे देखा जाए कि क्लास ए ब्रिक के लिए 20% वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए एंड क्लास बी के लिए आपका 22.5 एंड क्लास सी के लिए 25% आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो यहाँ से ये तीनों तो ऑप्शन पूछा नहीं है, यहाँ से आपको टाइल्स के लिए रूफ टाइल्स के लिए पूछ लिया गया कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये भी नहीं हो सकता, 4-9 हो ही नहीं सकता इतना कम, बस आपके पास यही दो बचे हुए हैं। और आप यहाँ से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं इनको कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं, 39% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4-9 इतना कम हो नहीं सकता। अब बचे दो ऑप्शन बी और सी, बी में आप 20-24 एंड 14-19, ये तो आपका ब्रिक के कंडीशन हो गई, तो ब्रिक से कम ही होगा रूफ टाइल्स के लिए, तो आप देखें तो डायरेक्टली आपका 14-19 ऑप्शन मिल जा रहा है, अगर आप गेस भी करेंगे तब भी आपका ऑप्शन आ जाएगा। आइडेंटिफाई ये फिगर थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, इसको आप कैंट बोलते हैं, इसको आप कैंट बोलते हैं, इसको आप कैंट बोलते हैं, लेकिन फिगर को ध्यान से देखिएगा, आपसे सेम फिगर यहाँ से कट कर देता, आपसे सेम फिगर यहाँ से कट कर देता, यहाँ से कट करके यहाँ पर ले आता, तो इसको आप बोलने लगते किंग क्लोजर। एंड यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये आपकी ब्रिक हो गई, ये ब्रिक में से आप ये देखिए कि जब आपकी ब्रिक कुछ इस तरह से कटी, इसको आप क्वीन क्लोजर बोलते हैं, एंड आपकी ब्रिक इस शेप में कटे, देन आप इसको किंग क्लोजर बोलते हैं, बुलनोज आपकी ब्रिक या आपकी बुलनोज ब्रिक हो गया, किंग क्लोजर है, किंग क्लोजर है, क्वीन क्लोजर भी आप देख लिए, किंग क्लोजर भी देख लिए, इसको कैंट बोलते हैं। यही डिस्टेंस लेटर सपोज मिडिल से, इसके मिडिल से और इसके मिडिल से हो जाएगा तब आप उसको किंग क्लोजर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक, ब्रिक की जो मॉडुलर साइज है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बोल रहा,
25 × 22 से हो ही नहीं सकता, 18 × हो ही नहीं सकता, 21 हो ही नहीं सकता, सीधे आपका ऑप्शन सी सही है। आप डायरेक्टली देख सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं। एंड नंबर ऑफ द ब्रिक रिक्वायर फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक मेसनरी, कई टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि कितना होगा 1 मीटर क्यूब में, हर बार पूछा जाता है। और आप अपना ट्रेडिशनल ब्रिक मत लिखिएगा क्योंकि आप अपने जगह सही होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द IS कोड यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो डायमेंशन ऑफ द ब्रिक होगी विद मोर्टार के हिसाब से ये होगी। इसमें आप 1 मीटर क्यूब इसको आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाता है। इसको भी आप MM में चेंज कर लीजिए मीटर क्यूब में तो 500 आ जाता है। और वहाँ पर आप 19 × 9 × 9 मत करिएगा, उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे आप 1 मीटर क्यूब में ब्रिक रखेंगे तो ब्रिक रखने के बाद बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो जाता है, जो गैप हो जाता है यहाँ पर इसमें ये समझ लिया जाएगा कि एज ए मोर्टार यूज किया जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक लेड इन द मोर्टार इन एनी ब्रिक वर्क इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल लेयर। हेडर स्ट्रक्चर की कोई बात ही नहीं किया, सीधे कोर्स बोलते हैं, इस लाइन को कोर्स बोलते हैं जो ब्रिक पे होगा। एरीज कुछ ऐसा होता नहीं, हेडर एंड स्ट्रक्चर ये भी देख लीजिए आप, यहाँ पर ये हेडर लगा दीजिए, सारे हेडर लगा दीजिए एंड दूसरा कोर्स बनाइए। दूसरे कोर्स में आप स्ट्रक्चर ये हो गया आप, ये तो सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आता होगा। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर नॉमिनल साइज, ये बात ज़रूर याद रखिएगा जहाँ नॉमिनल बोला जाए एंड स्टैंडर्ड नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर, जहाँ पर नॉमिनल बोला जाए वहाँ 20 × 10 × 10 सही है। सॉरी ऑप्शन आप ऐसे भी इलिमिनेट कर सकते हैं, ये दो ऑप्शन तो आप हटा ही सकते हैं, ए और सी में कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड साइज है और ये आपका नॉमिनल साइज है, जहाँ पे नॉमिनल बोला जाए, नॉमिनल मीन्स वहाँ पर मोर्टार भी यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन द क्लैंप बर्निंग प्रोसेस एट विच एंगल ब्रिक आर टू बी लेड, यहाँ पर जो आपके यहाँ जो कुम्हार होते हैं वो जो घरों पे या पहले के ज़माने पे जो भी ब्रिक ऐसे कुछ लगाई जाती थी या कुछ इस शेप की ऐसे लगाई जाती थी, वन लेयर आपकी ब्रिक हो गई, अदर लेयर आपने उसमें कुछ फ्यूल्स रख दिया फिर ब्रिक, तो ये एंगल आपसे पूछ रहा है कि एंगल कितना होगा, ये आपसे जो एंगल पूछ रहा है ये आपका 15 डिग्री होगा, ये याद रखिएगा ये आपका 15 डिग्री एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट इन द ब्रिक मटेरियल विच इम्पार्ट येलो टिंट कलर ऑफ टू द ब्रिक एंड डिक्रीज श्रिंकेज, येलो टिंट कलर जो आप में प्रोवाइड करवाता है वो आपका मैग्नीशिया प्रोवाइड करवाता है, ये बात याद रखिएगा। आयरन ऑक्साइड जो ऑक्साइड ऑफ द आयरन, ये आपका रेड चेरी कलर प्रोवाइड करवाता है, सिल्का तो कोई कलर नहीं प्रोवाइड कराता, एलुमिना प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है, सिल्का स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता, बट 1 and 4th ऑप्शन आर नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ द कलर साइज ऑफ द मॉडलर भी, जहाँ पर मॉडलर के पहले आपका स्टैंडर्ड ना लिखा हो आप उसको स्टैंडर्ड ही मानिएगा। यहाँ से देखिए ये दोनों ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ए भी एलिमिनेट हो गया, आपका सीधे से बी पार्ट बचा, जैसे आपको क्वेश्चन पता है और क्वेश्चन के कम समझ में आ रहा है तो आप ऑप्शन के पास जाइए, हो सकता है आपके पास ऑप्शन के पास ही आपके पास कुछ सोल्यूशन हो। अकॉर्डिंग टू IS 1077 Class 10 ब्रिक आर द ब्रिक हैविंग, अकॉर्डिंग टू IS कोड 1077 Class 10 ब्रिक, एक Class 10 ब्रिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थिकनेस मोर देन 10 cm ऐसा भी कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, लेंथ के बारे में बात नहीं कर रहा, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात ही नहीं करता एंड ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। लेट अस सपोज आप ब्रिक Class 5 बोल दीजिए, Class 5 ब्रिक मीन्स ये होता है, ये जो रिप्रेजेंट करता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखिएगा। एंड द रिकमेंडेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्लास ए ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, यहाँ से देखा जाए क्लास ए सबकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नोट कर लेंगे, क्लास ए
क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए की 10.5, 7.5, 5.5, क्लास ए की 14 मेगा पास्कल, सभी की मेगा पास्कल यूनिट होगी। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा क्लास ए की कितनी होगी, क्लास ए की आपकी होगी 10.5, कोई ऑप्शन है ही नहीं आपका। एंड ये क्लास ए की है, ये भी देखेंगे क्लास ए की है 20 बाई 20 का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। एंड द रेड कलर ऑफ द ब्रिक, ब्रिक को रेड कलर कौन प्रोवाइड कराता है, आपका डायरेक्टली आंसर आयरन ऑक्साइड होगा, मैग्नीशिया येलो टिंट कलर प्रोवाइड करवाता है, एंड एल्यूमिना आपको प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। चारों ऑप्शन आपको क्लियर होने चाहिए। द ब्रिक यूज फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस, फर्नेस के लिए कौन सा ब्रिक यूज करते हैं, लाइनिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं, फर्स्ट क्लास, ओवर बर्न, अंडर बर्न, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आपका जो रिफेक्ट्री ब्रिक है वो यूज होगा, एक स्पेशल लाइनिंग के लिए जो आप ब्रिक यूज करते हैं रिफेक्ट्री ब्रिक होगा आपका। फर्स्ट क्लास ब्रिक तो आपको बिल्डिंग के लिए यूज होता है, ओवर बर्न, अंडर बर्न, ये तो आपके ब्रिक के डिफेक्ट हैं आपके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गुड ब्रिक शुड नॉट एक्सीड ऑफ ड्राई वेट केप्ट इमर्स इन द वाटर फॉर 24 आवर्स। देखिए यहाँ पर आपसे गुड ब्रिक बोल दिया है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या झामा ब्रिक के बारे में कुछ नहीं बताया गया। जब आपसे कुछ ना बताया जाए तो आप उसको फर्स्ट क्लास ब्रिक ही मानिएगा। यहाँ से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, लास्ट में अभी 2-3 क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, यहाँ पर आपका 20 सही होगा, 25 आपका थर्ड क्लास ब्रिक पे सही होगा, एंड 22.5 आपका सेकंड क्लास ब्रिक पे सही होगा। ये दोनों ऑप्शन पे नहीं है, 30 तो किसी का ही नहीं। फॉर ग्लेजिंग क्ले प्रोडक्ट व्हाट टेम्परेचर सोडियम क्लोराइड शुड बी थ्रोन इनटू किल, किस टेम्परेचर पे फेंका जाता है, तो उसका डायरेक्टली आप जो ब्रिक का है इतने टेम्परेचर होता ही है 1000 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाकी ऑप्शन तो देखना ही नहीं है इस पर, क्योंकि सब ये याद करने वाली चीज़ें हैं। फायर ब्रिक आर मेड, फायर ब्रिक वो ऐसा ऑप्शन दे दिया, जो फायर ब्रिक बनाएंगे फायर क्ले से ही बनाएंगे, सीमेंट से बनाएंगे नहीं, हाइड्रेटेड लाइम से बनाएंगे नहीं, क्विक लाइम से बनाएंगे नहीं। ऑप्शन भी ऐसे सिलेक्ट है कि आप क्वेश्चन अगर पढ़े भी नहीं हैं और आप थोड़ा सा समझदार हैं तो आप कर सकते हैं इसको ऑप्शन देख के ही। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर क्लास 25 ब्रिक आर स्पेसिफाइड द इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ से देखिए आप ऐसे भी देख सकते हैं, 20 आपका फर्स्ट क्लास, 25 आपका थर्ड क्लास। तो फिर से याद करने में, क्योंकि बीएमसी मैक्सिमम चीज़ें समझने वाली भी हैं, लेकिन 30-40% ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एज इट इज़ याद रखनी है। जैसे यहाँ पर क्लास 25 जो ब्रिक है उनका वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो 15% होगा। एंड जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक एंड थर्ड क्लास ब्रिक, ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बाकी ये दो ऑप्शन बचे, तो दो ऑप्शन में से आपको याद रखना कि कौन सा सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ ब्रिक विच मोल्डिंग इज नॉट प्रैक्टिस, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो मोल्डिंग में यूज नहीं होता, ग्राउंड मोल्डिंग, टेबल मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग, लेकिन ऑटोमेटिक मोल्डिंग नहीं होता। अब ऐसे नहीं होता कि आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाइए कि ओके आप जहाँ पर आपकी सॉयल है, सॉयल लेके आए, उसको वेदरिंग, जितनी भी प्रोसेस मैन्युफैक्चर प्रोसेस वो पूरा करके ब्रिक को बर्न करके आपको दे दे, ऐसा अभी तक सिस्टम नहीं है, आपको सारे प्रोसेस अलग अलग करने पड़ेंगे। नेक्स्ट सिस्टम में चलते हैं। टू गेट यूनिफॉर्म कलर टेराकोटा, टेराकोटा इज बर्न एट ए टेम्परेचर दैट लाई इन द रेंज। इसका भी आपका टेम्परेचर 1100 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, जो आपको याद रखना। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, कि जब आप ब्रिक बनाते हैं तो ब्रिक का टेम्परेचर कितना होगा, और जब आप सीमेंट बनाते हैं तो सीमेंट से कितना टेम्परेचर होगा। साउंडनेस इज द सीमेंट, साउंडनेस ऑफ द सीमेंट इज टेस्टेड बाई, जो साउंडनेस ऑफ सीमेंट है, सीमेंट का जो साउंडनेस है किससे टेस्ट करते हैं, बिलेंस से आप परमेबिलिटी चेक करते हैं, ली चैटेलियर से आप साउंडनेस चेक करते हैं, ऑटोक्लेव मेथड एंड ब्लेंस एंड ली चैटेलियर मेथड, ये तो दोनों ऑप्शन सेम हो गए, परमेबिलिटी चेक करते हैं, ली चैटेलियर मेथड से आप साउंडनेस चेक करते हैं। द कैल्सिनेट प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोड्यूसिंग इज नोन एज, जो कैल्सिनेट प्रोडक्ट है वो सीमेंट प्रोड्यूसिंग नोन है, जो वो किस नाम से जानते हैं,
द कैल्सिनेट प्रोडक्ट ऑफ द सीमेंट इज नोन एज जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 10262 1982 व्हाट शुड बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी ग्रेड सी। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा, ओपीसी ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड ई, ग्रेड एफ। ग्रेड ए की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा मेगा पास्कल, ये कुछ ऐसे हैं, इनको याद रखना। देखिए एग्जैक्ट इसको देखा जाए 31.9 है, 36.8 है मेगा पास्कल, बट आप ऐसे भी याद कर लेंगे तो आप में ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा से आप रिलेट कर लेंगे। फिर ओपीसी क्लास ए का जो ग्रेड है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 32 टू 37 मेगा पास्कल है, ये याद रखिएगा। इसके बाद सब में आप 5 ऐड करते जाइएगा, सब में +5 +5 आप ऐड करते जाइए, आपका ऑप्शन मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू IS 101982 व्हाट शुड बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी ग्रेड है, ग्रेड सी आपका। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ग्रेड सी के बारे में पूछा 42, ये देखिए आपका ही ऑप्शन सही, और तो कोई मैच कर ही नहीं रहा, तो आप चेक कर सकते हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। द ऑटोक्लेव टेस्ट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द, जो ऑटोक्लेव टेस्ट है वो आपका एक्सपेंशन के लिए यूज होता है। एक मिनट, साउंडनेस आपका लिख सकते, क्लियर सही था, सही यही था। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द एपरेटस फॉर कंडक्ट लिस्ट 1 एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट लिस्ट 2। मैचिंग में आप देखेंगे कि क्या सही है, विकार्ट इक्विपमेंट टेस्ट, ली सैथेलियर आपका साउंडनेस है, तो बी का 1 किसका सही है, बी का 1, ये दो हो गए। एंड एयर परमिबिलिटी मेथड आपका जो है वो फाइननेस, डी का 2, टी का 2। तो पहला या ये दोनों ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, आपका ए एंड डी में कोई सही होगा। विकार्ट टेस्ट आपका सेटिंग टाइम फाइंड करता है, ए का 3 आप पहला, और ये देख सकते हैं विकार्ट टेस्ट आपका, विकार्ट इक्विपमेंट टेस्ट आपका सेटिंग टाइम, एंड ली सैथेलियर आपका साउंडनेस, ब्रिक्वेट टेस्ट आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, ब्रिक्वेट टेस्ट आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट बाय इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो IS, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रेड ऑफ सीमेंट, कौन सी ग्रेड की सीमेंट नहीं है, आपकी जो ग्रेड की सीमेंट है 33, 43 एंड 53 की ग्रेड की सीमेंट नहीं होती आपकी, ये इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करती है आपका। व्हिच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज बोगस कंपाउंड, बोगिव कंपाउंड हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाई हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, इनके परसेंटेज आपके सबसे मेनली है, यहाँ से देखा जाए 32 ये एंड ये 22 40%, एंड इन दोनों के ये इनके परसेंटेज हैं, आप याद रखिएगा। जो मेनली पूछा गया है, मैक्सिमम परसेंटेज पूछा गया है, तो आपका ए लाइट का होगा, एंड बी लाइट है, बी लाइन नहीं है, लाइट बी लाइट थोड़ा मिसप्रिंट ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल इज ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3.15, याद है सबको, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। जिप्सम आपका यूज होता है रिटार्डर के लिए, एक्सीलरेटर के लिए आप CaCl2 मेनली यूज करते हैं, और CaCl2
यूज़ तो करते हैं लेकिन इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपके रिइंफोर्समेंट में, जिसको कोरोजन बोलते हैं। इनके इसको इंक्रीज करने से कोरोजन को बढ़ावा मिलता है। प्लास्टिसीजर एयर इंट्रिंग एजेंट वर्कबिलिटी बढ़ा देता है। एंड रिटार्डर आपका जिप्सम हो गया, एक्सीलेटर आपका CaCl2 हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड, तो साउंडनेस है आपकी सीमेंट की वो किससे टेस्ट किया जाता है? लीस एथेलियर रिपीटर से आप चेक करते हैं। वीकार्ट टेस्ट से आप कंसिस्टेंसी, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम, और ये बाकी दोनों टेस्ट तो है ही नहीं हमारे सिलेबस पे। द इनिशियल सेटिंग द इफ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज 5 मिनट है, दे कैन बी क्लासीफाई एज, इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे? लो हीट सीमेंट का नहीं है, आपका क्विक सेटिंग सीमेंट आपका हो जाएगा। हार्डनिंग यहाँ पर देखिए, हार्ड यहाँ पर आपका इनिशियल सेट करना ना कि हार्ड करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि सेटिंग वाला भी सही होगा। द टेस्ट कंडक्टेड बाई विकार्ट एपरेटस, आपका विकार्ट जो है कंसिस्टेंसी फाइंड करता है, फाइननेस आपका जो फाइननेस फाइंड करता है, बैलेंस एंड नर्स परमेबिलिटी मेथड। इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, इनिशियल सेटिंग आपका 30 मिनट यहाँ मिनट लिख दीजिए, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, और जो आपका फाइनल है वो 10 आवर से कम नहीं होना चाहिए। द डायमीटर ऑफ द प्लंजर यूज इन विकार्ट एपरेटस, विकार्ट एपरेटस के लिए जो आप प्लंजर यूज करते हैं क्या होगा? वो आपका 10 mm होगा। प्लंजर आपका जो निडल होगी, देखिए जो आप विकार्ट एपरेटस में लगाते हैं जो निडल होती है उसका 1 mm होती है डाया, जो प्लंजर होता है 10 mm होता है। एंड कॉलर जो एनुअल कॉलर जो यूज होता है ये 5 mm होती है। ये आपका कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, इनिशियल सेटिंग एंड फाइनल सेटिंग। ये आपका फाइनल सेटिंग के लिए, ये आपका इनिशियल सेटिंग के लिए। आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है, एंड ये आपका कंसिस्टेंसी के लिए, ये आप कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए यूज करते हैं। ये जरूर याद रखिएगा 50 mm। इट इज द एस्टिमेटेड दैट अबाउट कैलोरीज ऑफ हीट इज जनरेटेड बाय द हाइड्रेशन ऑफ 1 gram ऑफ सीमेंट। देखिए अभी स्टैंडर्ड वैल्यू है आपके, ये अभी आपके स्टैंडर्ड वैल्यू है कि 1 gram हीट जला, एक ग्राम सीमेंट जलाने पे कितनी कैलोरी हीट जनरेट होगी, वो आपको डायरेक्टली 120 आपको याद रखना है। विच आर द फॉलोइंग इन्ग्रीडियंट इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, जो सबसे क्विक सेटिंग आपको प्रोवाइड कराता है सबसे जल्दी, वो आप में सिलिका है नहीं, आयरन ऑक्साइड आपको कलर प्रोवाइड कराता है, ये सल्फर आपको साउंडनेस को रोकता है, आपका एलुमिना ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीमेंट पेस्ट इज द नॉमिनल कंसिस्टेंसी इन द विकार्ट एपरेटस इफ द रॉड पेनिट्रेटेड बाई, देखिएगा ये क्वेश्चन में आपसे दो तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। आपने विकार्ट एपरेटस का माउल्ड बना दिया है, माउल्ड जिसकी डायमेंशन 40 एंड 80 mm, ये यहाँ से आपसे ये बोल रहा कि जो आपका विकार्ट निडिल है या विकार्ट एपरेटस में जो आप निडिल यूज कर रहे हैं वो कितना पेनिट्रेट करेगा ऊपर से, तो यहाँ से जो भी नीचे से या ऊपर टॉप से पेनिट्रेट करता है 33 to 35 mm पेनिट्रेट करता है। एंड मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ ले कि बॉटम से कितना लिफ्ट करता है, बॉटम से कितना लिफ्ट करता है या कितना छोड़ देता है पेनिट्रेट करने को रह जाता है, देन आपका 5 to 7 mm नीचे से छोड़ देता है, तो आपका यहाँ ऑप्शन ए पार्ट होगा। एंड यहाँ पर ये पेनिट्रेट बोल रहा, कितना रॉड पेनिट्रेट कर रहा या रॉड लेफ्ट पेनिट्रेशन या लेफ्ट लिख दिया जाता है, देन आपका ऑप्शन जो होगा 5 to 7 mm होता। थैंक यू।